गाइस कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए सोनी का X8000H मॉडल है। दोस्तों आज का पूरा फुल फीचर स्पेसिफिकेशन आप सभी के लिए लाने जा रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने YouTube ऐप में जाकर गीकी राम को सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों सोनी X8000H के बारे में जानते हैं, इसमें क्या क्या आपको चीज़ें मिलती है और क्या क्या अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपको 43, 49, 55 और 65 इंचेस के अंदर अवेलेबल रहेगा। 75 और 85 इंचेस के अंदर भी अवेलेबल ये आपको रहता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 4K टीवी है, मींस के अल्ट्रा HD टीवी आपको ये मिल जाता है। अब दोस्तों स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपको वाईफाई की कनेक्टिविटी मिल जाती है, एंड्रॉयड टीवी है, 4 HDMI के स्लॉट मिलते हैं प्लस 3 USB का स्लॉट आपको इसके अंदर मिल जाता है। जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों एंड्रॉयड का, वो आपको मिल जाता है। इसके अंदर सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, जैसे गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले मूवी से, गूगल प्ले गेम से सारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड भी कर सकते हो। प्लस जो एंड्रॉयड के अंदर एप्लीकेशन आती है दोस्तों, थोड़ा डिफरेंट एंड्रॉयड टीवी होता है कोई भी टीवी के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों वही चीज़ होती है कि एंड्रॉयड टीवी आप लेने जा रहे हो तो जैसे कि आपने देखा कि मोबाइल के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, पर टीवी के अंदर कुछ अलग होता है। इसके अंदर आपको स्पेसिफिकली आपको सोनी की बात करूँ तो इसके अंदर 5000 प्लस एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलती है, ज़्यादा एप्लीकेशन आपको इसके अंदर नहीं मिलती है। तो इनफ होती है 5000 एप्लीकेशन तो आपको मिली जाती है। इसके अंदर दोस्तों ब्लूटूथ प्रोफाइल की सपोर्ट की बात करूँ तो वर्जन 4.2D HID और SPPCL पोर्ट प्रोफाइल सपोर्ट ये करता है। बिल्ट इन क्रोमकास्ट दिया है, एप्पल एयरप्ले की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, एप्पल होम किट आपको इसके साथ में मिल जाता है। दोस्तों ये सारे फंक्शन आपको मिलते हैं और कंपोजिट भी मिल जाता है, कंपोजिट वीडियो इंपोर्ट भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। HDMI की बात करूँ तो 4 HDMI दिए हैं, HDMI विथ ARC CEC भी आपको इसके अंदर मिल जाता है और HDCP आपको इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर 2.3 मिलता है वो भी मिल जाता है। HDMI CEC की बात करूँ, ऑडियो रिटर्न चैनल की बात करूँ दोस्तों HDMI विथ ARC भी मिल जाता है, डिजिटल ऑप्टिकल आउट भी इसके अंदर मिल जाता है, हेडफोन आउट की कनेक्टिविटी मिल जाती है, ऑडियो आउटपुट आपको नहीं मिलता है। USB की बात करूँ तो दो साइड USB दिए हैं और एक आपको रियर में USB स्लॉट आपको इसके अंदर मिल जाता है। USB प्लेबैक कोडेक सपोर्ट की बात करूँ दोस्तों तो ये आपको मल्टीपल USB प्लेबैक कोडेक को सपोर्ट करता है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट डिस्प्ले के अंदर दे दूंगा तो आप देख लीजिएगा। डिस्प्ले टाइप की बात करूँ तो दोस्तों LED डिस्प्ले टाइप के साथ में आता है। रिजोल्यूशन की बात करूँ तो 4K रिजोल्यूशन जैसे कि मैंने आपको बताया आपको मिल जाता है। बैकलाइट टाइप की बात करूँ तो दोस्तों एज लाइट LED आपको ये मिलता है। इसके अंदर दोस्तों हाई डायनेमिक रेंज मिल जाता है जो HDR10 HLG और डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट ये करता है। तो डॉल्बी विजन को भी दोस्तों ये सपोर्ट करता है, मतलब कि डॉल्बी विजन एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों कि आपने जब भी हॉलीवुड की जो फिल्में शूट होती है दोस्तों वो सारी डॉल्बी विजन के अंदर शूट होती है। तो एक्चुअल में जो टेलीकास्ट होता है, जो कलर्स आपको मिलते हैं, वही कलर आपको डॉल्बी विजन आपके टीवी एंगल पे प्रोवाइड करता है तो उसे डॉल्बी विजन कहा जाता है। पिक्चर प्रोसेसर की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर X1 4K HDR प्रोसेसर दिया गया है। क्लैरिटी एनहांसमेंट की बात करें तो 4K एक्सेलेरेटिव प्रो इंजन इसके अंदर मिल जाता है। कलर एनहांसमेंट की बात करें दोस्तों तो लाइव कलर टेक्नोलॉजी दी गई है दोस्तों और प्लस टाइल लूनर डिस्प्ले का भी इसके अंदर उपयोग किया गया है। कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर डायनामिक कॉन्ट्रास्ट एनहांसर ऑब्जेक्ट बेस्ड HDR रीमास्टर आपको इसके अंदर मिल जाता है। मोशन एनहांसर की बात करें तो मोशन फ्लो XR200 को सपोर्ट करता है, मतलब नेटिवली 50 हर्ट्ज का पैनल आपको मिल जाता है। अब एक्चुअल में जो इंडिया के अंदर सिग्नल आता है दोस्तों 50 हर्ट्ज का ही सिग्नल आता है, उससे ऊपर आपको सिग्नल के अंदर देखने के नहीं मिलेंगे। वीडियो सिग्नल फॉर्मेट की बात करूँ दोस्तों तो मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा तो आप देख लीजिएगा, मल्टीपल ये वीडियो फॉर्मेट का वीडियो सिग्नल के सपोर्ट कर लेता है। पिक्चर मोड्स की बात करें तो विविड, स्टैंडर्ड, सिनेमा, गामा, ग्राफिक्स, फोटो, कस्टम, डॉल्बी विजन डार्क दोनों आपको ये सपोर्ट करता है। सेंसर की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर आपको लाइट सेंसर मिल जाता है। ऑडियो पावर आउटपुट की बात करें तो 10-10 वोल्ट के आपको दो स्पीकर मिल जाते हैं। स्पीकर टाइप की बात करें दोस्तों बास रिफ्लेक्स स्पीकर आपको इसके अंदर मिल जाता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको देता है। और इसके अंदर दोस्तों डॉल्बी ऑडियो फॉर्मेट भी सपोर्ट करता है और डॉल्बी एटमोस भी इसके अंदर आप सपोर्ट कर सकते हो। आप डॉल्बी ऑडियो और दोस्तों डॉल्बी एटमोस दोनों ही डिफरेंट साउंड एंगल है। डॉल्बी एटमोस एक्चुअल में क्या होता है कि आप लाइव जो साउंड सुन रहे हो 3D इफेक्ट्स में दोस्तों साइडेड एजेस में साउंड होता है दोस्तों उसको वो पूरा सा रिड्यूस कर देता है। तो एक्चुअल में उसको आपको लाइव साउंड आपको देखने के लिए मिलता है। DTS ऑडियो फॉर्मेट सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो DTS डिजिटल सराउंड साउंड इफेक्ट सपोर्ट करता है दोस्तों। ये सारे फंक्शन आपको इस टीवी के अंदर मिल जाता है।
स्टोरेज की बात करें दोस्तों तो आपको 16 GB का स्टोरेज मिलता है, मल्टीपल आपको लैंग्वेज सपोर्ट करता है, टेक्स्ट इनपुट लैंग्वेज में भी दोस्तों मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट कर सकता है। वॉइस सर्च की बात करें तो गूगल असिस्टेंट के साथ में आपको ये आता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड की बात करें दोस्तों इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड मिल जाता है। इंटरनेट ब्राउजिंग की बात करें तो VEVEWD आपको सपोर्ट करता है। एप्लीकेशन स्टोरेज की बात करें तो गूगल स्टोर, गूगल प्ले मूवीज, गूगल प्ले गेम, सारी एप्लीकेशन आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो दोस्तों बहुत सारे फीचर इस टीवी के अंदर आपको मिल जाते हैं, तो आपको अगर ये टीवी लेना है तो आप ज़रूर ले सकते हो, क्योंकि सोनी एक्चुअल में उसकी ब्राइवेट टेक्नोलॉजी के लिए पहचाना जाता है। सोनी का हर टीवी के अंदर आपको ब्राइवेट टेक्नोलॉजी मिलता है। अब ब्राइवेट टेक्नोलॉजी एक्चुअल दोस्तों जो होता है वो सारे, जैसे कि आप कोई पिक्चर देख रहे हो, उस पिक्चर को ज़्यादा कलर कॉन्ट्रास्ट प्लस एक्चुअल में जो बैलेंस कलर होता है दोस्तों उसको चलाने के लिए सोनी का ब्राइवेट टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। आप कभी भी देखोगे तो सोनी के हर टीवी के अंदर आपको ब्राइवेट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिसको ब्राविया इंजन कहा जाता है। अब दोस्तों दूसरी चीज़ है, इसके अंदर रिप्रोड्यूस है वाइट मोर प्रीसेस, बहुत ही अच्छी डिटेलिंग आपको इसके अंदर मिल जाती है, क्योंकि ट्रायल में डिस्प्ले दिया गया है। एंजॉय हाई क्वालिटी साउंड, क्योंकि बास रिफ्लेक्स स्पीकर आपको नीचे दे दिए गए हैं। गूगल असिस्टेंट आपको मिल जाता है, तो वॉइस सर्च के जरिए आप अपने टीवी को वॉइस कमांड दे सकते हो। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाती है। 5000 प्लस एप्लीकेशन आप इसके अंदर सर्च कर सकते हो। गूगल असिस्टेंट आपको मिलता है वर्थ विथ एलेक्सा, एलेक्सा के साथ में भी ये वर्क करता है दोस्तों। तो एफआर एलप्ले आपको दे दिया गया है, क्रोमकास्ट आपको बिल्ट इन दे दिया गया है, तो गूगल प्ले स्टोर तो आपको मिल ही जाता है। क्लियर फेस एनहांसर मिलता है, डॉल्बी विजन प्लस डॉल्बी एटमॉस भी आपको मिलता है, काम रेडी है दोस्तों इसके अंदर मिल जाता है। तो सारे फंक्शन आपको इस टीवी के अंदर मिल जाते हैं। अब दोस्तों मेरे कंक्लूजन की बात करूँ तो X8000H मॉडल दोस्तों बहुत ही अच्छा मॉडल है। अंडर 1 लाख के बजट में दोस्तों ये मॉडल भी आप प्रीफर कर सकते हो। मैंने यस्टरडे को एक वीडियो बनाया था कि टॉप 3 LEDs मेरा अंडर 1 लाख के अंडर में जो आते हैं वो बेस्ट टीवी। मैंने आप सभी को बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो अपने YouTube ऐप में जाकर गीकी राम को सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर पूरे डीपली एंड क्लियरली ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।